हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज मैं आप लोग को हिंदी का पूरक वाचन 3 एकलव्य पढ़ाने वाली हूँ। एकलव्य कौन थे इनके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। इस पाठ को लिखने वाले अजय अनुरागी हैं। महाभारत की एक कथा पर आधारित इस पाठ में एकलव्य अपनी अगाध श्रद्धा का मतलब अपार आस्था और दृढ़ निश्चय के बल पर बाण विद्या में निपुणता प्राप्त करता है। वह द्रोणाचार्य द्वारा उसे शिक्षा देने पर मना कर दिए जाने पर भी उन्हें अपना गुरु मानता है, किंतु द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा के बदले में उसका दाहिना हाथ के अंगूठा मांग लेते हैं, जो उनके द्वारा किए गए अन्याय का प्रमाण बन जाता है। एकलव्य एक सच्चे और आज्ञाकारी शिष्य के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है, प्रख्यात हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि महाभारत की एक कथा पर आधारित इस पाठ में एकलव्य अपनी अपार श्रद्धा आस्था और दृढ़ निश्चय के बल पर बाण विद्या में निपुणता यानी योग्यता प्राप्त कर लेता है। वह द्रोणाचार्य द्वारा उसे शिक्षा देने पर मना कर दिए जाने पर भी उन्हें अपना गुरु मानता है, लेकिन द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा के बदले में उसका दाहिना हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं, जो उनके द्वारा किए गए अन्याय का प्रमाण यानी सबूत बन जाता है। एकलव्य एक सच्चे और आज्ञाकारी यानी आज्ञाकारी का मतलब होता है आज्ञा मानने वाला शिष्य के रूप में प्रसिद्ध हो गए, प्रख्यात हो गए। आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे एकलव्य के बारे में। ऋषि द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों के गुरु थे। भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य की विद्वता को जानकर कौरवों और पांडवों को शिक्षा हेतु उनके आश्रम में भेजा था। द्रोणाचार्य ने भी राजपुत्रों को ही शिक्षा देने का प्रस्ताव स्वीकार कर अन्य किसी को शिक्षा न देने की ठान ली। बचपन में एक दिन कौरव और पांडव गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद उछलकर निकट के एक कुएं में जा गिरी। राजकुमारों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे गेंद को किस प्रकार कुएं से बाहर निकालें। इस प्रयास से युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर गई थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋषि द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य की विद्यता यानी ज्ञान को जानकर कौरवों और पांडवों को शिक्षा के लिए उनके आश्रम में भेजा था। द्रोणाचार्य ने भी राजपुत्रों को ही शिक्षा देने का शर्त मानकर दूसरे किसी को भी शिक्षा न देने का निश्चय कर लिया। बचपन में एक दिन कौरव और पांडव जब गेंद खेल रहे थे, खेलते खेलते गेंद उछल कर पास के कुएं में जा गिरी। राजकुमारों के समझ में नहीं आ रहा था कि वे गेंद को किस तरह कुएं से बाहर निकालें। इस प्रयत्न में युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर गई। आगे पढ़ेंगे। इसी बीच वहां द्रोणाचार्य आ पहुँचे। राजकुमारों ने बताया कि उनकी गेंद कुएं में गिर गई है और वे उसे निकालने में असमर्थ हैं, लाचार हैं। तब द्रोण ने एक सरकंडे को अभिमंत्रित कर उसे कुएं में डाल दिया। सरकंडा सीधा गेंद में जाकर घुस गया। फिर उन्होंने एक एक सरकंडे को जोड़कर गेंद और अंगूठी बाहर निकाल दी। राजमहल में लौटकर राजकुमारों ने भीष्म पितामह को सारी घटना बताई। भीष्म समझ गए कि वे द्रोणाचार्य ही हैं। तब वे स्वयं द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे राजकुमारों को अस्त्र विद्या प्रदान करने की प्रार्थना की। द्रोणाचार्य ने उनकी बात मानकर सभी राजकुमारों को शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कौरव और पांडव आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करने लगे। गेंद निकालने के चक्कर में जब अंगूठी भी गिर जाती है कुएं में, तो इसी बीच वहाँ द्रोणाचार्य आ जाते हैं। राजकुमारों ने उन्हें बताया कि गेंद कुएं में गिर गई है और वे उसे निकालने में लाचार हैं। तब द्रोणाचार्य ने एक सरकंडे को अभिमंत्रित करने का मतलब होता है पूजा के द्वारा, उसे कुएं में डाल दिए। सरकंडा सीधा गेंद में जाकर घुस गया। फिर उन्होंने एक के पे एक सरकंडे को जोड़कर गेंद और अंगूठी बाहर निकाल दी। राजमहल में लौटकर राजकुमारों ने भीष्म पितामह से सारी घटना बताई। भीष्म तब समझ गए कि वे द्रोणाचार्य ही हैं। तब वे स्वयं द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे राजकुमारों को अस्त्र विद्या प्रदान करने की प्रार्थना की, विनती की।
द्रोणाचार्य ने भी उनकी बात मानकर सभी राजकुमारों को शिक्षा देना मंजूर कर लिया। इस प्रकार कौरव और पांडव आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करने लगे अर्थात सीखने लगे। एक बार द्रोणाचार्य ने राजकुमारों की परीक्षा लेने का विचार कर पेड़ पर एक चिड़िया बांध दी और उसकी आँख पर निशाना लगाने को कहा, परंतु अर्जुन के अतिरिक्त यानी अलावा कोई भी राजकुमार निशाना नहीं लगा सका। तभी से द्रोणाचार्य अर्जुन से अधिक स्नेह अर्थात प्रेम करने लगे। सभी राजकुमार आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते हुए धीरे धीरे अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत होते जा रहे थे। पारंगत का मतलब होता है निपुण होना। द्रोणाचार्य का यश अर्थात कीर्ति चारों ओर फैल गई। उन जैसा अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं था। उनकी कीर्ति सुनकर एकलव्य नामक एक भील कुमार ने उनसे शिक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की, परंतु द्रोणाचार्य ने यह कहते हुए उसे मना कर दिया कि उन्हें केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया है, उनका चुनाव किया गया है, अतः वे किसी और को शिक्षा नहीं दे सकते। एकलव्य निराश होकर वहाँ से लौट गया। एकलव्य बहुत तेजस्वी भील कुमार था। यहाँ आगे बताया गया है कि एक बार द्रोणाचार्य ने राजकुमारों की परीक्षा लेने का सोच करके पेड़ पर एक चिड़िया बांध दी और उसकी आँख पर निशाना लगाने को कहा, लेकिन अर्जुन के अलावा कोई भी राजकुमार निशाना नहीं लगा सका। तभी से द्रोणाचार्य अर्जुन से बहुत अधिक प्रेम करने लगे। सभी राजकुमार आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते हुए धीरे धीरे अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण होते जा रहे थे। द्रोणाचार्य का कीर्ति यश चारों ओर फैल गया था। उन जैसा अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता यानी जानने वाला दूसरा कोई नहीं था। उनकी कीर्ति सुनकर एकलव्य नामक एक भील कुमार ने उनसे शिक्षा देने की प्रार्थना की, विनती की, परंतु द्रोणाचार्य ने यह कहते हुए उसे मना कर दिया कि उन्हें केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देने के लिए चुनाव किया गया है, नियुक्त किया गया है, अतः वे किसी और को शिक्षा नहीं दे सकते। उनकी बात सुनकर एकलव्य निराश होकर वहाँ से लौट गया। एकलव्य बहुत ही तेजस्वी यानी तेजवान भील कुमार था। आगे पढ़ते हैं। कुछ महीने बीतने के बाद द्रोणाचार्य राजकुमारों को साथ लेकर वन में विचरण करने गए। विचरण करने का मतलब होता है घूमना। आश्रम में राजकुमारों ने एक कुत्ता पाल रखा था। वे उसे भी अपने साथ वन में ले गए। वन में वह कुत्ता कुछ आगे निकल गया और एक भील कुमार को देखकर भौंकने लगा। वह भील कुमार एकलव्य था, जो धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य ने कुत्ते को भगाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह वहीं खड़ा भौंकता रहा। तब उसने बाड़ छोड़कर कुत्ते का मुख यानी मुंह बंद कर दिया। कुत्ता दौड़ता हुआ द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। यहाँ कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य की बात सुनकर एकलव्य निराश होकर लौट आया और कुछ महीने बीतने के बाद द्रोणाचार्य राजकुमारों को साथ लेकर वन में विचरण करने गए। विचरण करने का मतलब घूमना। आश्रम में राजकुमारों ने एक कुत्ता पाल रखा था। वे उसे भी अपने साथ वन में ले गए। वन में वह कुत्ता कुछ आगे निकल गया और एक भील कुमार को देखकर भौंकने लगा। वह भील कुमार एकलव्य था, जो धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य ने कुत्ते को भगाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह वहीं खड़ा भौंकता रहा। तब उसने बाड़ छोड़कर कुत्ते का मुख यानी मुंह बंद कर दिया। कुत्ता दौड़ता हुआ द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। यहाँ कह रहे कि कुछ महीने बीतने के बाद द्रोणाचार्य राजकुमारों को साथ में लेकर वन में घूमने गए। आश्रम में राजकुमारों ने एक कुत्ता पाल रखा था। वे उसे भी अपने साथ वन में ले गए, लेकिन वन में वह कुत्ता कुछ आगे निकल गया और एक भील कुमार को देख कर भौंकने लगा। वह भील कुमार कोई और नहीं एकलव्य था, जो धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य ने कुत्ते को भगाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह वहीं खड़ा भौंकता रहा। तब एकलव्य ने बाड़ छोड़कर कुत्ते का मुख बंद कर दिया बाड़ों से। कुत्ता दौड़ता हुआ द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। आगे
कुत्ते की यह दशा देखकर सभी विस्मित रह गए। विस्मित का मतलब होता आश्चर्य होना। कुत्ते का मुख बाण कला में पारंगत यानी निपुण व्यक्ति के द्वारा बंद किया गया था। द्रोणाचार्य ने राजकुमार को साथ लिया और उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ एकलव्य अभ्यास कर रहा था। वहीं एक वृक्ष के नीचे द्रोणाचार्य की प्रतिमा अर्थात मूर्ति रखी हुई थी और निकट ही एकलव्य धनुष चलाने का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य की गुरु भक्ति देखकर द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु वे शीघ्र समझ गए कि अगाध श्रद्धा यानी अपार आस्था और दृढ़ प्रतिज्ञा के बल पर एक दिन एकलव्य अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आशीर्वाद दे रखा था कि इस संसार में तुझसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं हो सकेगा, परंतु एकलव्य का ध्यान आते ही उन्होंने कहा, वत्स एकलव्य, तुम वास्तव में एक श्रेष्ठ धनुर्धर हो। तुम्हारा कौशल प्रशंसनीय है। मैंने तुम्हें शिक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया था, परंतु फिर भी तुमने मुझे अपना गुरु माना। अतः अब तुम मुझे गुरु दक्षिणा देकर गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता यानी आभार ज्ञापित करो यानी साबित करो, पूरा करो। यहाँ आगे कह रहे हैं कि कुत्ते की यह दशा देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। कुत्ते का मुख बाण से भर गया था और ये कला में पारंगत निपुण व्यक्ति के द्वारा ही किया गया था। द्रोणाचार्य ने राजकुमार को साथ लिया और उस जगह पर पहुँचे जहाँ एकलव्य धनुष का अभ्यास कर रहा था। वहीं एक पेड़ के नीचे द्रोणाचार्य की मूर्ति रखी हुई थी और पास में ही एकलव्य धनुष चलाने का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य की गुरु भक्ति देखकर द्रोणाचार्य बहुत ही खुश हुए, लेकिन वे जल्दी समझ गए कि यह अपार आस्था, विश्वास और दृढ़ प्रतिज्ञा के बल पर ही एक दिन एकलव्य अर्जुन से आगे निकल जाएगा, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को यह आशीर्वाद दे रखा था कि इस संसार में तुमसे श्रेष्ठ यानी बड़ा धनुर्धर कोई नहीं हो सकेगा। लेकिन एकलव्य का ध्यान आते ही उन्होंने कहा तुरंत एकलव्य से, वत्स एकलव्य, तुम सच में एक श्रेष्ठ उच्च कोटि के धनुर्धर हो। तुम्हारा कौशल प्रशंसनीय है, बड़ाई के योग्य है। मैंने तुम्हें शिक्षा प्रदान करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे अपना गुरु माना। अतः अब तुम मुझे गुरु दक्षिणा देकर अपने गुरु के प्रति आभार पूर्ण करो। एकलव्य ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा दे गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा में आपको कौन सी वस्तु भेंट करूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। द्रोणाचार्य बोले, वत्स, गुरु दक्षिणा में तुम मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे सकते हो। द्रोणाचार्य के मुख से ये वचन निकलते ही एकलव्य ने कटार से अपना अंगूठा काट कर उनके चरणों में अर्पित कर दिया। एकलव्य यह बात भली भांति जानता था कि अंगूठा कटने के बाद वह कभी धनुष बाण धारण नहीं कर सकेगा, परंतु उसने मुस्कुराते हुए गुरु को दक्षिणा प्रदान कर दी। गुरु भक्ति और त्याग का ऐसा अनुपम दृश्य देखकर द्रोणाचार्य गदगद हो उठे। अर्जुन भी उसकी निष्ठा देखकर भाव विह्वल हो गया। एकलव्य सच्चे और आज्ञाकारी शिष्य के रूप में ख्याति प्राप्त करके अमर हो गए। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि जब तुम मुझे गुरु माने हो तो गुरु दक्षिणा देकर अपनी कृतज्ञता आभार पूर्ण करो, चुकाओ उसको। उनकी बात सुनकर एकलव्य ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा दे गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा में आपको कौन सी चीज़ भेंट में दे सकता हूँ, उपहार में दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब द्रोणाचार्य बोले एकलव्य से कि वत्स, गुरु दक्षिणा में तुम मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे सकते हो। द्रोणाचार्य के मुंह से इतने ही बात निकलते ही एकलव्य ने कटार से अपना अंगूठा काट कर उनके चरणों में यानी पैरों में अर्पित कर दिया, चढ़ा दिया। एकलव्य अच्छी तरह जानता था कि अंगूठा कटने के बाद वह कभी भी धनुष बाण उठा नहीं सकेगा, धारण नहीं कर सकेगा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए अपने गुरु को दक्षिणा दे दी, प्रदान कर दी।
गुरु भक्ति और त्याग का ऐसा अनुपम यानी अनोखा दृश्य अर्थात सीन देखकर द्रोणाचार्य गदगद हो उठे, बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए अत्यधिक। अर्जुन भी उसकी निष्ठा देखकर भाव विह्वल हो गए। एकलव्य सच्चे और आज्ञाकारी शिष्य के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करके सबके दिलों में अमर हो गए। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लेसन आप लोग पूरा कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।